नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद मुखिया का चुनाव भी हो गया है। साथ ही जनप्रतिनिधि पर अब ये दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करे और क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करे। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवा रही है, नवनिर्वाचित मुखिया से मुलाकात कर रही है। तो इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत रेडबीघा प्रखंड धनरुआ पहुंची और वहां के नवनिर्वाचित मुखिया कार्यभारक उपेंद्र कुमार से मुलाकात किया। आपको बता दें कि यहां से मंजू कुमारी विजयी हुई हैं। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुखिया कार्यभारक उपेंद्र कुमार से। उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज जी आपको। उपेंद्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं क्या स्थिति है इस वक्त आपके क्षेत्र में, कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं? हमारा क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या है श्री राम हरि उच्च विद्यालय पभेरा का जमीन जो अतिक्रमण हो रहा है उससे मुक्ति कराना, और पंचायत सरकार भवन नहीं है उसको निर्माण कराना, बच्चों के लिए खेल के मैदान का निर्माण कराना, और पेयजल पर ध्यान देना, नल जल जो व्यवस्था है बहुत बुरा स्थिति में है उसको ठीक ठाक कराना, ये सारे जी। उपेंद्र जी, ये आपका प्रथम कार्यकाल है ना, इसके पूर्व भी आप रहे हैं इस क्षेत्र में? नहीं, इससे पहले हम 2 साल रहे हैं, 2016 तक मैं मुखिया रहा, 2006 से 2016 तक जी। तो मुखिया जी, इस बार जीत का आंकड़ा क्या रहा, कितने मतों से जीते हैं आप? 573 मतों से हम जीते हैं, 2172 मत हमें मिला था, 1599 मत 16 सेकंड वाला को जी। तो इतनी अच्छी जीत मिली है आपको, लोगों ने इतना भरोसा जताया है आप पर, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं जनता से हम तो लगाव रहता है, बहुत अच्छा लगाव रहता है जनता। पिछले बार भी हम अपना गलती से हार गए थे 32 वोट से, तो लगातार हमको मुखिया वहाँ का रखा है लोग जी। जी, तो इस जीत की, इस इतनी बड़ी जीत की कितनी उम्मीद थी मुखिया जी आपको? हम पूरा आश्वस्त है, हम पूरा आश्वस्त है जीत के प्रति जी। जी, ये बताएं मुखिया जी कि इस आपके यहाँ पंचायत में सरकारी योजनाएं हुई, नल जल योजना हुई, आवास योजना हुई, उसके अंतर्गत कार्य हुआ है या नहीं हुआ? नल जल के काम हुआ है लेकिन बहुत स्थिति खराब है, मैंने 50% से ऊपर नल जल बंद है जी, बंद है। और आवास योजना हुई या शौचालय योजना हुई, उसके अंतर्गत लोगों को आवास आवंटित हुआ है या नहीं हुआ है? आवास तो मिला है जी। मुखिया जी, बहुत से क्षेत्रों में जब हमारी टीम घूम रही थी, बहुत से प्रखंडों में इस तरह की शिकायत मिली है कि आवास योजना और शौचालय योजना के अंतर्गत पैसे की डिमांड की जाती रही है लोगों से आवंटन में। आपके यहाँ इस तरह की कोई समस्या आपके सामने आई है? 2006 से हम लोग थे मुखिया, तो एक भी पैसा नहीं लगा है, लेकिन हम लोग जब नहीं थे अगर तो 20,000 प्रति यूनिट लग रहा था जी, 20,000 रुपए की डिमांड ले रहे थे लोग जी। और आपके यहाँ लोगों के इलाज की किस तरीके से व्यवस्था है, उसमें कितना सुधार आप करना चाहते हैं? इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे यहाँ अभी तक, नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र है उसको हम लोग सुधारेंगे जी, को ठीक करेंगे हम जी। इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी और क्या योजनाएं हैं मुखिया जी? हमारे बहुत से योजना है, तालाब पर घाट बनवाना है, कुछ कुआं बनवाना है, और जितने भी आहर पैन है जो सब भर गया है उसको जीर्णोद्धार करना है, खुदाई करवाना है। मेनली समस्या हमारे पंचायत का पंचायत सरकार भवन का है, और श्री राम हरि उच्च विद्यालय का जमीन जो पूरा नरक बना हुआ है हाई स्कूल जी, उसको हम ठीक करेंगे, ये मेरी ज्वलंत मुद्दा है। श्री राम हरि उच्च विद्यालय पभेड़ा एकदम नरक में तब्दील हो चुका है, आज भी विद्यालय के प्रांगण में 4 फीट पानी है, उसको मैं भराई करके सीओ को दिया हुआ जमीन अतिक्रमण हटाने के लिए, उस पर केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में, उसको तुरंत अतिक्रमण मुक्त करा के उसको हम
फील्ड को भराई करना सब जी। तो मुखिया जी, समस्याएं तो बहुत है क्षेत्र में और लोगों ने बदलाव किया है, तो इससे तो स्पष्ट ही होता है कि क्षेत्र में विकास और रुद्ध हुआ है। पदभार संभालेंगे मुखिया जी, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी कौन सी कार्य की? हाई स्कूल और पंचायत सरल भवन जी। शिक्षा में सुधार करना है आपको, शिक्षा पहला जी। मुखिया जी, एक और प्रमुख समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से सामने आई कि चुनाव के वक्त तो डोर टू डोर कैंपेन होती है, मुलाकात हो जाती है जनप्रतिनिधि की लोगों से, लेकिन चुनाव के बाद लोग बता रहे हैं कि समस्याएं अपनी सुनाने के लिए मुखिया जी से मुलाकात नहीं हो पाती है, उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो लोग हर तबका आपसे अपनी समस्याओं को बता सके, आपसे कनेक्ट कर सके, इसके लिए आपकी क्या? हम घूमते रहते हैं पंचायत में, घूमते रहते हैं, ऑफिस है, अभी मुलाकात नहीं हुआ है हमारा। प्रखंड में प्रखंड का चुनाव होने जा प्रमुख का, और उधर पटना जिला परिषद का चुनाव चेयरमैन का है, इसलिए थोड़ा हम बिजी है अभी चेयरमैन और प्रमुख के चुनाव के चलते। जब पटना जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, प्रमुख का चुनाव हो जाएगा, तो हम लोग फ्री होकर पंचायत में लाएंगे जी। अभी थोड़ा व्यस्त हम लोग हैं जी। जी 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 मुखिया जी, पदभार संभालने की तिथि आपकी क्या निर्धारित की गई है? 29/12/2021 दिसंबर। मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से इस क्षेत्र के लिए कोई मांग भी करना चाहेंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार हमारा श्रीराम हरि उच्च विद्यालय और पहरा में खेल का मैदान दुरुस्त करे, सिंचाई के लिए जो नहर हमारे यहाँ है, नहर का जमीन अतिक्रमण हो रहा है, उसको नापे का नहर का खुदाई कर दे, क्षेत्र विकास कर जाएगा, सिंचाई और शिक्षा और पंचायत तीनों सुधार जाएगा जी। और मुखिया जी, चुनाव के समय बहुत से क्षेत्रों में खाद और बीज की समस्या भी किसानों को सामने आ रही थी, इसके लिए आपने उसमें हम लोग देख लेंगे, सब ठीक कर लेंगे अपने स्तर हम लोग सक्षम करने के लिए वो सब कर लेंगे जी। जी, तो लोगों के इस भरोसे और विश्वास समर्थन के लिए क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मानो सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए, और बिहार न्यूज की तरफ से आपको जीत की बहुत बधाई और नए कार्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत रेडबीघा प्रखंड धनरवा से मुखिया कार्यभारक उपेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि जनता का स्नेह और समर्थन उन्हें मिला है और जिस विश्वास के साथ लोगों ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पदभार संभालते ही शिक्षा में सुधार करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही सिंचाई पर भी उन्होंने ध्यान देने की बात बताई है। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।